औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स ग्रेड 9 लेक्चर नंबर 33, टुडे सेकंड वे 2020, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। रिजोल्यूशन मींस, रिजोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है? रिजोल्यूशन मींस स्प्लिटिंग। रिजोल्यूशन मीन्स स्प्लिटिंग। अब हमारे पास इसकी डिफिनेशन क्या बनती है? डिफिनेशन हमारे पास इसकी इस तरह से आ रही है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग अ फोर्स वेक्टर इनटू टू आर मोर फोर्स वेक्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए फोर्स वैक्टर इन टू टू आर मोर फोर्स वैक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। ये हमारे पास फर्स्ट डिफिनेशन हो गई। सेकेंड डिफिनेशन इसकी हमारे पास इस तरह से बनेगी कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स वैक्टर into its mutually perpendicular components। अब components हमारे पास क्या है? component means parts, अज्जा। जिस तरह हमारे पास एक मेन चीज़ होती है, अब हम उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो वो पार्ट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो पार्ट्स हमारे पास कंपोनेंट कहलाएंगे। द फोर्स वेक्टर सो ऑब्टेंड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। कि जो हमारे पास फोर्स वेक्टर से जो कंपोनेंट्स ऑब्टेन हो जाएंगे, जो पार्ट्स हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे, एक फोर्स वेक्टर होता है जिस उसके हम फोर्स वेक्टर्स बना लें, उसके वेक्टर्स हम बना लें, उसके पार्ट्स हम बना लें। दिस पार्ट्स आर नोन एज द कंपोनेंट्स। वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाएंगे। हमारे पास इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक वेक्टर गिवन होते हैं, वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज एफ ऑफ ए, दूसरा हमारे पास है कि दिस इज एफ ऑफ बी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन हो गया, इसमें हमारे पास ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ पर इसी डायरेक्शन में जो बन रहा है, इसको हम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हेड टू टेल रूल से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये जो हमारे पास वेक्टर आया है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट, एक वेक्टर, फोर्स वेक्टर गिवन होगा। उस फोर्स वेक्टर को हमने क्या करना है, इसके इस तरह से पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड करना है। तो उन पार्ट्स को हम क्या कहलाएंगे? उनको हम कंपोनेंट्स कहेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने कहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स कि वो जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा होता है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा होता है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक वेक्टर है जो हमारे पास बिल्कुल एक्स प्लेन में जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? टोटली डिपेंडेंट ऑन द, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिपेंड ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा वेक्टर है जो हमारे पास दूसरा वेक्टर बन रहा है, वो हमारे पास बिल्कुल एक्स वाई एक्स वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? ये हमारे पास डिपेंड ऑन
वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके मजीद पार्ट्स नहीं बन रहे, हमारे पास एक एक्स एक्सिस पे बन रहा है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो ये हमारे पास टोटली क्या है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा कि ये हमारे पास हो जाएगा कि ये हमारे पास बन रहा है ऐसा वेक्टर जिसकी फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास जो ऐसा वेक्टर बनेगा कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन के बीच में लाए कर रहा होगा, जो कोई एंगल बना रहा होगा, उस हमारे पास वो क्या कहलाएगा कि ये हमारे पास फोर्स वेक्टर एफ हो गया है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में बी के बीच में बन रहा है। तो अब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाफ लाइंग बिटवीन हाफ इन एक्स एक्सिस प्लेन एंड हाफ इन y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास आधा x एक्सिस के प्लेन में आ रहा है, आधा हमारे पास y एक्सिस के प्लेन में आ रहा है। तो अब इस वेक्टर की स्प्लिटिंग हमारे पास क्या है, इस फोर्स वेक्टर की स्प्लिटिंग हमारे पास हो सकती है, बिकॉज हाफ ऑफ इट इज लाइंग इन द x एक्सिस एंड हाफ ऑफ इट इज लाइंग इन द y एक्सिस, जबकि ये हमारे पास टोटली x एक्सिस पे था और ये हमारे पास टोटली y एक्सिस पे था, तो फर्दर इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाफ लाइंग इन द एक्स एक्सिस एंड हाफ लाइंग इन द वाई एक्सिस, तो यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास आसानी से हो सकती है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं। कंपोनेंट्स इसके हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ये हमारे पास जो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, जिस तरह जो फोर्स एफ है वो हमारे पास ओ पी पे नाम दे दिया है हमने उसको, ये हमारे पास बना रहा है एंगल थीटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्प्लिट अप करेंगे। तो पहले हम इसके क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे, एक हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे वाई एक्सिस पर हम प्लेन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास एफ वाई कहलाएगा, और ये हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास एफ एक्स कहलाएगा, ये भी हमारे पास एफ एक्स हो जाएगा और ये भी हमारे पास एफ वाई हो जाएगा। ये अब हमारे पास क्या बन गए हैं, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स बन गए हैं। चूंकि फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, कि फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड, हमारे पास क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है एंड डायरेक्शन एज वेल। इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ की ज़रूरत होती है। अब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने क्या करनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मींस दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देंगे, ये हमारे पास ओ पी एंड क्यू हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। इसके साइड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन के लिए पहले हम एक हमारे पास मिथ है, हमारे पास एक होता है कि हम मैथ्स में जब हम थीटा के रूल्स को करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पर s जो है वो हमारे पास साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास ये वाली साइड हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस, और ये वाली साइड हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हेयर पी रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर एंड एच रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा फ्रॉम हेयर बेस
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के लिए मैं एच वाई पी लिख रही हूँ, और लास्ट में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, थीटा हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ रहा है, तो बेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बेस इज इक्वल टू ओ क्यों डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओ पी, तो हमारे पास ओ क्यू एंड ओ पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एफ, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से देख लें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के बराबर है, पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी के, साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी के बराबर है। अब पी क्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा पी क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर, ये हमारे पास एफ वाई के बराबर है, और ओ पी हमारे पास एफ के बराबर है। अब हमने एफ वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू हो गया। इक्वेशन नंबर वन में हमारे पास एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर टू में हमारे पास वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। अब हम इनका एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पिथागोरस थ्योरम को। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने एंगल फाइंड करना है इसका, तो पिथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे फॉर एंगल। हम क्या करेंगे, वी यूज पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, पिथागोरस थ्योरम हमारे पास बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा हमारे पास पिथागोरस थ्योरम। तो अब हमने चूंकि इसका सिर्फ एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर जो है हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, सॉरी इसका स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हमने कैंसिल नहीं करना, ये हमारे पास इसी तरह से रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बेस किस चीज़ के बराबर है, फ्रॉम फिगर, फिगर में देख लें कि बेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बेस इज इक्वल टू ओ क्यों प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी क्यों के बराबर है। ठीक है, तो इसका अंडर रूट उसी तरह से रहेगा, इसको कैंसिल नहीं करना, हमारे पास आ जाएगा ओ क्यों, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है, तो प्लस में हमारे पास अंडर रूट कैंसिल नहीं होता, ये हमारे पास आ जाएगा ओ क्यों एंड ओ पी, सॉरी क्यों पी होल स्क्वायर, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ क्यों जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया है, और ओ क्यों पी हमारे पास एफ ऑफ वाई स्क्वायर हो गया है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द इट्स कंपोनेंट आर नॉन, जब हमारे पास इसके कंपोनेंट्स नॉन होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को आसानी से फाइंड करेंगे, और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस
ये हमारे पास परपेंडिकुलर किस चीज़ के बराबर है, क्यू पी के डिवाइडेड बाय ओ क्यू के, और हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू पी, हमारे पास क्यू पी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड ओ क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया कि एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, और एंगल हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, बोथ साइड्स को हम क्या करेंगे टेंजेंट से डिवाइड कर लेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। इस साइड को भी टेंजेंट से डिवाइड कर लें और इस साइड को भी हम टेंजेंट से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी सिर्फ टेंजेंट से डिवाइड करना है, टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर लेंगे कि हम इसका एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जब हमने पिथागोरस थ्योरम को यूज़ किया तो एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, हमारे पास यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी टॉपिक को बुक में देखते हैं कि हमारे पास बुक में क्या है, पेज नंबर इज 104। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए फोर्स वैक्टर इन टू टू आर मोर फोर्स वैक्टर इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेज। एक वैक्टर फोर्स वैक्टर को हम स्प्लिट कर लें इन टू इट्स फोर्स वैक्टर तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ द वैक्टर कहलाएगा, अपोजिट टू द एडिशन ऑफ द वैक्टर। द फोर्स वैक्टर सो ऑप्टेन्स आर कॉल्ड द कम्पोनेंट्स, जो हमारे पास उसके फोर्स वैक्टर्स आ जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंपोनेंट्स कहेंगे। दिस प्रोसेस इज अपोजिट टू द एडिशन ऑफ द वैक्टर इन प्रिंसिपल फोर्स वैक्टर, फोर्स बींग ए वैक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू एज मैनी एज कम्पोनेंट वी विश, हाउएवर इफ दिस कम्पोनेंट इन टू विच अ फोर्स वैक्टर इज स्प्लिट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन सच कम्पोनेंट्स आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कम्पोनेंट्स ऑफ द वैक्टर। अब अगर ये कम्पोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर पड़े हुए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम रेक्टेंगुलर कम्पोनेंट ऑफ द वैक्टर कहेंगे। रिजॉल्विंग फोर्स इन टू द रेक्टेंगुलर कम्पोनेंट हेल्प अस एनालिटिकली एड फोर्सेज रैदर देन नीडिंग ए रूलर आर ए प्रोटेक्टर, हम प्रोटेक्टर और रूलर के बगैर भी हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं और स्प्लिटअप भी कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द ग्राफिकल टेक्निक इज रिटेन्ड बिकॉज वैक्टर आर स्टिल रिप्रेजेंटेड बाई एरो फॉर द ईजी विजुअलाइजेशन, लेकिन हम क्या करेंगे स्टिल वैक्टर्स को एरो की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगी वैक्टर जो है हम इजीली इसको पहचान सकेंगे। एनालिटिकल मेथड आर यूज फॉर कंसाइज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन ग्राफिकल मेथड विच आर लिमिटेड बाय द एक्यूरेसी विद विच अ ड्राइंग कैन बी मेड। देयरफॉर इन फिजिक्स वी ऑफन यूज, हमारे पास क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड में हम ड्राइंग करते हैं, उसको ग्राफ ड्रा करते हैं, एनालिटिकल मेथड में हमारे पास बहुत कंसीक्वेंस कंसाइज और एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट जो है वो आ जाती है। नीड टू सेपरेट अ वैक्टर इन टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल आइस ब्लॉक इज बींग पुल्ड बाई ए बॉय यूजिंग रोप, वी थिंक ऑफ फोर्स एज टेंशन इन द रोप, दिस सिंगल फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इन टू इट्स कंपोनेंट, वन डायरेक्टेड अपवर्ड राइट अलॉन्ग एक्स एक्सेस एफ ऑफ एक्स एंड अदर डायरेक्टेड अपवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सेस एज शोन इन द फिगर 4.6। ये हमारे पास हो गया कि टेंशन एक हमारे पास हो गया कि राइट वर्ड जो है वो पुल कर रहा है उसको, तो हमारे पास यहाँ पर एक हो गया कि ये टेंशन इन द रोप के साथ एक अपवर्ड जा रहा है, एक हमारे पास डाउनवर्ड जा रहा है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हमारे पास बिल्कुल क्या है कि हमारे पास जो जा रही है वो हमारे पास हो गई एक राइट वर्ड जा रही है अपवर्ड, और दूसरी जो अपवर्ड हमारे पास सॉरी डाउनवर्ड नहीं जा रही, दोनों अपवर्ड जा रही हैं क्योंकि टेंशन हमारे पास अपवर्ड फोर्स है, तो एक ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया और दूसरा इसका एफ ऑफ वाई कंपोनेंट हो गया। Consider a force F into Cartesian coordinate system represented by line OP making an angle theta as shown in the figure. ये हमारे पास line OP हो गई, हमारे पास क्या कर रहा है angle theta बना रहा है, draw perpendiculars from point P on x axis and y axis which meet the axis at point Q and X. अब हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए हैं तो अब ये हमारे पास एक्सेस के साथ किस पॉइंट पर मीट कर रहा है, पॉइंट क्यू पर, और पॉइंट एस का नाम हमने इसको दे दिया। ये हमारे पास वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के साथ इस प्लेन पर इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। पुट एरो हेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ओ टूवर्ड्स क्यू एंड एस सच दैट रिप्रेजेंट द वैक्टर्स एज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई,
बिकम्स द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये अब हमारे पास इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मींस दे आर एट द एंगल ऑफ द 90 डिग्री, तो इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। बाय हेड टू टेल रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन वी नो दैट द फोर्स एफ इज द वेक्टर सम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। हमने एडिशन ऑफ द वेक्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर है। कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ द फोर्स, अब फोर्स में हम इसके मैग्नीट्यूड को किस तरह से फाइंड करेंगे। कंसिडर अ ट्राइंगल ओ पी क्यू विदाउट टेकिंग द साइड्स एज वैक्टर, दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम विच वी हैव, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है, तो ये बेस हमारे पास हो जाएगी ओ क्यू एंड ओ पी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और वाई कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करेंगे कि साइन थीटा, यहाँ से हम एंगल लेंगे साइन थीटा, ये हमारे पास एंगल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ पी हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ। Therefore, f of y is equal to f sine of theta. This means that we calculate the component analytically just by knowing the value of the force and angle. हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट को, अगर हमारे पास फोर्स और एंगल हो। तो फोर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा सिंस ट्राइंगल ओ पी क्यू फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल देयर फोर वी यूज़ पिथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देयर फोर हमारे पास ये पिथागोरस थ्योरम हो गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ क्यू पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन बी नाउ डिटरमाइंड इफ द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉन। टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इन द राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू वी हैव टेंजेंट थीटा। हमारे पास अब ये फोर्स की तो आ गया है कि हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हमने तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4.6। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एंगल फाइंड अप कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंपोनेंट गिवन है तो फोर्स का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हमारे पास फोर्स गिवन है तो हमने एक्स कंपोनेंट को किस तरह से फाइंड करना है, और अगर फोर्स गिवन है तो वाई कंपोनेंट को किस तरह से फाइंड करना है। ये हमारे पास फोर इक्वेशंस आ गई हैं। जानने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए और सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिएगा। स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।